हाँ भाई, फाइनल ईयर। तो हम बात कर रहे थे आपके मिडगट डाइवर्टिकुलम में, ठीक है। तो मिडगट डाइवर्टिकुलम में भी ब्लड जो है जब आता है तो उसे हम बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस, हिपेटिक पोर्टल वेन। एंड जब ये इस तरह से निकलता है तो उसे हम बोलते हैं हिपेटिक वेन। दोनों में डिफरेंस है। तो ये हिपेटिक वेन जो है ये कहाँ लेके जाती है ब्लड को? आपके साइनस वाइनसिस में लेके जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके इस ब्रेंकियोस्टोमा का होल ब्लड कहाँ आके कलेक्ट होता हो जाता है? साइनस वेनोसिस में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर डॉर्सल रीजन में कौन लेके आता था? आपका पेराइटल वेन। और लेट्रोवेंट्रल रीजन से लेकर आता है आपका ACV एंड PCV, एंटीरियर, ये एंटीरियर पोर्शन और दिस इज अ पोस्टीरियर पोर्शन। तो ACV एंड PCV वो इसे कहाँ से लेकर आएंगे? एंटरोलेटरल रीजन से, ठीक है। क्लियर है? फाइनल ईयर समझ में आ गया बेटा? यस, गुड। अच्छा, फाइनल ईयर। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है या फिर एक बार रिपीट और कर लें? बताएं आप, अगर समझ में नहीं आया है तो बताएं, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए बताएं आप। क्लियर है तो फिर कोई बात ही नहीं है। हाँ मैम, मतलब क्लियर है? आ गया मैम, ठीक है। क्लियर है तो कोई बात नहीं है फिर तो। चले फिर, यहाँ पे क्लियर होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। चल, अब चले देखिए क्लास, यहाँ तो बात रही ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, जब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो ब्रेंकियोस्टोमा में एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होंगे? कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ब्रेंकियोस्टोमा में टोटल तीन आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे फर्स्ट इज प्रोटोनेफ्रिडिया, फर्स्ट इज प्रोटोनेफ्रिडिया, सेकेंड इज हेड स्टेक, थर्ड इज रीनल पैपिली, ठीक है। तो यहां पर ये चीज क्या है? दिस इज अ क्या है? दिस इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन। जिसके थ्रू ब्रैंकियोस्टोमा क्या करेगा? एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। तो चले वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट इज प्रोटोनेफ्रिडिया,
देखिए क्लास, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, देखें अगर हम बात करते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया की, ठीक है, तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म से। किससे होता है? इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म से। अब जैसे आप लोग डायग्राम में भी देख रहे हैं, यहाँ पर ये कहाँ प्रेजेंट है? फेरिंग्स वाला रीजन है ये, ठीक है। फेरिंग्स वाले रीजन में ये स्ट्रक्चर है आपका गिल स्लिट्स, ठीक है। गिल स्लिट्स के बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं? गिल बार्स प्रेजेंट रहते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये इस तरह से गिल स्लिट पर इस तरह से प्रेजेंट रहती है, और कहाँ पर लटकी रहती है? ये लटकी रहती है सेकेंडरी गिल बार पर। कहाँ पर? सेकेंडरी गिल बार पर कुछ इस तरह से लटकी रहती है ये, ठीक है। तो इसका एक तो ओरिजिन कहाँ से है? एक्टोडर्म से माना गया है। और ये फेरिंक्स में जो गिल स्लेट्स होती हैं वहाँ पर उपस्थित जो आपकी क्या चीज़ है, ये गिल बार्स हैं, उसमें सेकेंडरी गिल बार के ऊपर कुछ इस तरह से हमेशा लटकी रहती, झुकी हुई रहती हैं ऑलवेज। इसमें ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं नेफ्रिडिया में, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया में, जिन्हें हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। कितने? फ्लेम सेल्स। अगर हम बात करें फ्लेम सेल्स की, तो ये होते हैं अप्रोक्स एक प्रोटोनेफ्रिडिया पर अप्रोक्स होंगे कुछ 500 फ्लेम सेल्स। कितने होंगे? 500 फ्लेम सेल्स होंगे। लेकिन वही अगर हम बात करें एक नॉर्मल प्रोटोनेफ्रिडिया की, तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो रहता है अप्रोक्स 90 से 100 तक भी रहेंगे ये जो है वो 90 से 100 तक भी प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन इन पर जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज अ फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स कितनी होती है? अप्रोक्स 500, ठीक है। तो ये तो बात रही आपकी, बहुत शॉर्ट में दिखाया है यहाँ पर किसकी पोजिशन क्या है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक नॉर्मल, अगर मैं यहाँ से इतने इस डायग्राम को कट करती हूँ और यहाँ पर इसको बड़ा एक ह्यूज साइज देती हूँ, तो किस तरह से आप लोगों को ये दिखाई देगा, जरा बात कर लेते हैं।
देखिए क्लास, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया दिखाया गया है। जैसे थोड़ी देर पहले इतने सारे प्रोटोनेफ्रिडिया दिखाए थे ना, उनमें से सिर्फ एक प्रोटोनेफ्रिडिया का पर्टिकुलर डायग्राम देखते हैं, तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ये दो लिंब से मिलकर बना होगा। वन इज वर्टिकल एंड वन इज हॉरिजॉन्टल। वन इज वर्टिकल एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल। ये जो हॉरिजॉन्टल है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लिंब। क्या बोलते हैं इसे हम? हॉरिजॉन्टल लिंब। एंड दिस इज अ वर्टिकल लिंब। ठीक है, दिस इज अ वर्टिकल लिंब एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लिंब। यहाँ पर जो ओपनिंग पर वो दिखाई थी, तो वही उसको हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज अ नेफ्रिडियोफोर। क्या है? दिस इज द नेफ्रिडियोफोर। अब नेफ्रिडियोफोर जो है वो कहाँ पर खुलेगा? सेकेंडरी गिलबार में। ये है सेकेंडरी गिलबार एंड दिस इज अ प्राइमरी गिलबार एंड दिस इज अ गिल स्लिट। क्या गिल स्लिट्स के इधर उधर क्या है? दिस इज अ प्राइमरी गिलबार एंड दिस इज अ सेकेंडरी गिलबार। तो ये यहाँ पर कहाँ खुलता है? आपके सेकेंडरी गिलबार में खुलेगा। ठीक है, सेकेंडरी गिलबार में भी अगर हम बात करते हैं तो मेनली अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो कहाँ से होगा? मेनली एक्सक्रीशन होता है ये जो फ्लेम सेल्स बताई थी, जिन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? सोलेनोसाइट्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये सोलेनोसाइट्स जो हैं, ठीक है, मेनली एक्सक्रीशन इन्हीं के थ्रू होता है। लेकिन इसमें भी अगर हम बात करें सोलेनोसाइट की, तो इसमें एक्सक्रीशन जो होगा वो होता है डिफ्यूजन मेथड से। कहाँ से होगा? ये होता है डिफ्यूजन मेथड से। और उसमें भी क्या चीज प्रेजेंट रहती है? कुछ ग्लोमेरुलस सेल्स प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो अब हम बात करें, अगर मैं इसका एक डायग्राम देखूँ सोलेनोसाइट का, तो इसमें एक वर्टिब्राइट फाइलम प्रेजेंट रहता है। फाइलम समझते हैं ना आप लोग? फ्लैजेला होता है ना। तो बस लाइक दिस इज अ सोलेनोसाइट। ठीक है, इसमें से एक क्या चीज प्रेजेंट रहता है? दिस इज अ फ्लैजिलम, सिंगुलर फ्लैजिलम। ठीक है, इसका डायग्राम फिर हम लोग कल बात करेंगे एक पर्टिकुलर सोलेनोसाइट्स के बारे में क्लास। ठीक है, तो आज की मीटिंग में बस इतना ही, बाकी कल बात करते हैं। हाँ, करते हैं।